My heartfelt condolence to all the martyrs who have been killed by the Kuki militants in this ongoing violence. And yesterday also, two martyrs have been killed by again the Kuki militants. So it is 100% proof that the Sioux militants are involved in this. Till now, the Indian government didn't revoke the Sioux with the Kuki militants. They want to see all the Meitei community die, or they are supporting the Meitei genocide. ये एक प्रश्न गवर्नमेंट को अभी दो महीने में हो रहे वायलेंस से डायरेक्ट सवाल है, क्योंकि सब मालूम हो गया है कि अभी इंडिया टुडे में भी इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा फुल आर्म्स म्यांमार के थ्रू लेकर आए थे और कुकी मिलिटेंट्स को दिए थे. ये इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंडिया टुडे के थ्रू ये फ्लैश किया था. तो अभी सू मिलिटेंट्स जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के साथ जो है सू मिलिटेंट्स जो है, अभी वो लोग सू का रूल को पालन कर रहे हैं क्या? दे आर फॉलोइंग द सू रूल्स. डे बाई डे दे आर वायलेटिंग द ऑल द रूल्स डू एंड डोंट्स ऑफ द सू. एंड टिल नाउ द इंडियन गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव नॉट put any decision regarding the revocation of the Sioux. तो मैतेई कम्युनिटी सबको मारने के बाद, जब Sioux militants जब सब करके मैतेई कम्युनिटी को मार दिया जाएगा, तो उसके बाद ही Sioux militants को Sioux को खारिज करेंगे क्या? Is this a question we want to ask? So this is because this is the only solution, this is the immediate solution in order to control the सिचुएशन इन द मणिपुर. तो अभी आप देख लीजिए, वेयर डिड द मोर्टार्स केम फ्रॉम? एक मतलब मणिपुर के क्वाक्टा जगह पे आईडी बम ब्लास्ट हुआ. इतना पावरफुल आईडी बम ब्लास्ट हुआ, किसानों मतलब फार्मर्स पे, वो लोग फील्ड पे कल्टीवेट कर रहे थे उस टाइमिंग में भी कुकी मिलिटेंट्स आकर अभी अटैक कर रहा है, फार्मर्स लोग को अटैक कर रहा है. दिन ब दिन सोफिस्टिकेटेड वेपन ज़्यादा कैसे, मतलब उन लोग कैसे मिल रहा है मालूम नहीं चल रहा है. देयर मे बी सम कंस्पिरेसी, और इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द विलेजर्स ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द असम राइफल हैज़ बिन लाइक हेल्पिंग द कुकी मिलिटेंट्स इन ऑर्डर टू गन डाउन द विलेज डिफेंस फोर्स. दैट मीन्स the Assam Rifle has to remove immediately from Manipur. Assam Rifle to do mahina ye jo chalne wala violence hai is pe Assam Rifle ka bhi ek major role hai kya? Is pe ek prashna puchne wali baat hai. Are they playing the major role in this? So they has to be removed immediately, because ye sirf Kuki militants nahi kar payega, ye sirf Sioux militants nahi kar payega. Bahar ke jo atangwadi log hai ye bhi support kar raha hai, और अंदर का हमारा एजेंसी भी सपोर्ट कर रहा है, ऐसा रिपोर्ट दिया है विलेजर्स ने. बेबी उसने खुद आंखों से देखा है कि असम राइफल सपोर्ट कर रहे हैं कुकी मिलिटेंट्स को. सो दिस इज द राइट टाइम टू टेक द एक्शन, नहीं तो दिन ब दिन मरते जाएगा, दिन ब दिन लोगों का मरने का, जैसे कल भी दो मरा. दिस सो द वायलेंस विल बी इंक्रीजिंग एंड इन द फ्यूचर देयर विल नॉट बी एनी पावर टू स्टॉप दिस वायलेंस. तो मैं एक आप सबको प्रश्न एक पूछता हूँ, भारतवर्ष के लोगों को, इफ दे आर नॉट अ Sioux militants, जैसे आप वो लोग कह रहा है कि वो लोग Sioux militants तो डिजिग्नेटेड कैम्प में है, इफ दे आर नॉट अ Sioux militants हु आर अटैकिंग द सिविलियंस, हु आर दे? आई वांट टू आस्क, हु आर दे? आर दे द ITLF टेररिस्ट? आई एम आस्किंग, आर दे द ITLF टेररिस्ट, और आर दे द सम आर्मीज फ्रॉम अनदर प्लानेट?
अनदर ग्रह से कोई आया है क्या कि इसको अटैक करने के लिए? कोई नहीं है. दे आर द सू मिलिटेंट्स, दे आर द कुकी मिलिटेंट्स हु आर वायलेटिंग द सू एग्रीमेंट एंड दे आर किलिंग द सिविलियंस डे बाई डे. सो द इमीडिएट सोल्यूशन इज टू रिवोक द सू एग्रीमेंट, जो अभी तक सरकार नहीं कर रहा है. इस पर बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कल भी इतना वायलेंस हुआ मणिपुर में. मतलब जैसे दिख रहा था कि वायलेंस हो रहा कम हो रहा है, पर मतलब इमिडिएटली वायलेंस शुरू हो जाता है. ऊपर से हिल से मतलब फार्मर्स लोग को अटैक शुरू कर देता है, लोगों सिविलियंस को मार देता है. दिस मीन्स सरकार को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है. देखिए, और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबसे कि अभी देखिए नेशनल मीडिया पे एक कुकी एक्टिविस्ट, एक लेडी ने नेशनल मीडिया पे बोल दिया कि जो मणिपुर में रह रहे हैं, मतलब मणिपुर, वो लोग बोल रहे हैं कि मणिपुर वी आर पार्ट ऑफ मणिपुर, वी आर पार्ट ऑफ मणिपुर को चिल्ला रहे हैं. वो खुद ने ऐसा नेशनल मीडिया पे बोल दिया कि मैरा पाइबिस, जो हमारा मणिपुर का इमा मतलब मदर लोग है, वो मैरा पाइबिस को शेमलेस बोल दिया. मतलब मैरा पाइबिस मतलब हमारा मणिपुर की इमा को, मतलब मदर को शेमलेस. दे कोट स्टेटमेंट इन द नेशनल मीडिया दैट द मैरा पाइबिस आर शेमलेस. दैट मीन्स आई कैन, हाउ डेयर यू सेड दैट स्टेटमेंट. क्योंकि इससे मालूम होता है मणिपुर से ओरिजिनल कोई लोग हो तो मैरा पाइबी कौन है मालूम होगा. मैरा पाइबी ने मणिपुर की इंटीग्रिटी को कैसे बचाया? नुपी मतलब वुमेन ने मणिपुर के हर जो मणिपुर को बचाने के लिए सामने आकर क्या क्या किया, हर मणिपुरी वासी जो ओरिजिनल मणिपुरी वासी है सब मालूम होगा. उसने सेमलेस क्यों बोला? क्योंकि जो रिफ्यूजी लोग है ना, मैरा पाइबी के बारे में कुछ नहीं जानेगा. Because they are refugees and they will not know who are Mira Pabis. Because इससे साबित होता है कि अपने आप ही बोल दिया indirectly कि they are refugees. Because मणिपुर में सच्चे निवासी जो है Mira Pabi कौन है, इम्मा कौन है, हमारा मादर ने किस कितना रोल लिया कि मणिपुर को बचाने के लिए. वो जो मणिपुर Mira Pabi को सेमलेस बोल रहे हैं, वो बहुत वर्ष पहले, वो मतलब कितना साल से माए लोग उन लोगों को ख्याल रखे, बाहर से आकर भी इतना ख्याल रखे, इतना टेक केयर करके उन लोगों को रख रहा था. पर अभी ये थोड़ा घटना, एक दो घटना होने के बाद वो लोग डायरेक्ट मणिपुर के इमा मतलब मादर को बोल रहे हैं कि शेमलेस. दिस मीन्स दैट दिस रियली प्रूव्स दैट दे आर अ रिफ्यूजी. उन लोगों को मैरा पाइबी के बारे में कुछ मालूम नहीं है. वो लोग नुपी लाल कैसे हुआ था, उन लोगों को कुछ मालूम नहीं है. दैट मीन्स वी दैट दे हैव टू shut their mouth, I have to say, and they should not quote this kind of statement in the national media, and they are telling themselves as the original from Manipur, and they are using the word, and they are quoting the statement that the Mira Pibis are the sameless. So, is vishay ko, jaldi se jaldi, violence ko kam karne ke liye, we appealed strongly, kyunki ye koi, matlab, we should give it peace, a chance, bolne ka time nahi hai, because ye, एक्शन लेने का टाइम है. दिस इज टाइम टू टेक एक्शन. इसलिए शू का हर रूल्स वायलेट कर रहा है. वो लोग बाहर से आर्म्स एम्युनिशंस लेकर आ रहे हैं. मणिपुर में आईईडी बम भर चुका है, लोगों का जान जा रहे हैं. दैट मींस द शू शुड बी रिवोक. तो शू को निकाल दीजिए. तो शू को एक बार निकालने के बाद एक बार देख लीजिए कि अदर कोई भी जाति हो मतलब वायलेंस करता है या नहीं, इसे मालूम हो जाएगा. So I will request to immediate the cancellation of the shoe and the NRC. जो NRC बोलने में वो लोग हमेशा डरता है. NRC का मतलब नहीं है कि कुकी लोग को भगा देना, ऐसा नहीं है. आप लोग भी if you are like educated, you will know more. क्या है कि NRC लागू करने से मालूम हो जाए कि वो लोग कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कौन से वर्ष में आए हैं. They will know. We will know. And the government will take care as the legal people. And they are living here now in India as illegal people. So they are इसलिए NRC जल्द से जल्द लागू करना होना चाहिए. और जो अभी उन लोगों ने मणिपुर को तोड़ने के लिए उन लोगों ने दो मतलब मावा को उन लोगों ने चैलेंज किया है. एक है हमारा मदरलैंड मणिपुर कंगलई पाक, हम लोग जो बोलते हैं. उन लोगों ने क्या बोला, मणिपुर को तोड़ो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन लागू करो, सेपरेट स्टेट बनाओ. उसका मतलब हमारे मदर जो
मणिपुर है उसको तोरो बोल रहा है, और दूसरा चीज वो लोग को क्या बोल रहा है, मणिपुर को बचाने वाला सब हमेशा सामने आने वाला मैरापाई भी जो है इमा लोग को शेमलेस बोल रहा है। वो दो इमा मतलब मदर को वो लोग बेइज्जती कर रहा है, तोने के लिए बात बोल रहा है। तो हम जो मैतेई के बच्चे हैं मतलब मणिपुर के बच्चे हैं, सन है, वो कभी चुप नहीं रहेंगे। दिस इज नॉट अ टाइप टू टॉक ओनली द पीस, इफ दे वांट टू ब्रेक द इंटीग्रिटी ऑफ द आवर स्टेट और अवर मदर, वी द सन ऑफ आवर स्टेट ऑफ आवर मदरलैंड विल श्योरली टेक अप ए हाई रेस ऑफ वॉइस टू डिफेंड देम। उसके लिए हम लोग किसी से नहीं